वनस्पतय शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामशान्तिः क्रोधशान्तिः ब्रह्मशान्तिः सर्वशान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामशान्तिरेधि यतो यत समीहसे ततो नोऽभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु 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 मैं पाटलिपुत्र चला जाऊं। आचार्य के आने तक तो प्रतीक्षा करनी होगी। पता नहीं कहां होंगे आचार्य, कोई सूचना भी नहीं मिली उनकी ओर से। तुम इतने हताश क्यों हो चंद्रगुप्त? अक्षय, आचार्य अपनी पीड़ा हम लोगों के साथ बांट सकें, क्या इतने भी योग्य नहीं है? तुम्हें स्वयं पर इतना अविश्वास क्यों है चंद्रगुप्त? तो आचार्य ने अपनी सूचना क्यों नहीं दी, हमें साथ क्यों नहीं ले गए? निपुणक व शारंगराव को भी आचार्य ने वापस भेज दिया। गुरुकुल में प्रत्येक व्यक्ति आचार्य ही की तो प्रतीक्षा कर रहा है, पर किसी ने अपना धैर्य नहीं खोया। पता नहीं अक्षय, मैं क्यों धीरज नहीं रख पा रहा हूँ? क्योंकि तुम आचार्य के सबसे निकट हो। तुम आचार्य के निकट नहीं हो? हूँ, हम सभी हैं। लेकिन आचार्य की अनुपस्थिति में कोई जल से उलीझ कर फेंकी गई मछली की तरह छटपटाया है तो वो सिर्फ तुम हो चंद्रगुप्त। मैं सामर्थ्यहीन हो रहा हूं अक्षय। यही तुम्हारी शक्ति है चंद्रगुप्त। आचार्य, तुम भीतर प्रवेश नहीं करोगे चंद्रगुप्त। मैं तुम्हें आदेश दे चुका हूं चंद्रगुप्त। Thank you.
विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, देखो बाहर सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। विष्णु बाहर आओ। विष्णुगुप्त द्वार खोलो। विष्णु विष्णुगुप्त तुम सभी अपने अपने कक्षों में जाओ। तक्षशिला के आयुधागार पर आक्रमण हुआ, कल अंतापुर पर भी होगा। लुटेरों ने आयुधागार से हथियारों को चुराने का प्रयत्न किया, पर कंटक शोधन के अधिकारी उन अपराधियों को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मैं प्रयत्न कर रहा हूं देव। मुझे आश्वासन देने का प्रयत्न मत कीजिए अनुजदेव। यवन सेनापति को मुझे उत्तर देना पड़ता है। क्या उत्तर दूं मैं यवन सेनापति को? कि वे मात्र साधारण लुटेरे थे, कि उन्होंने कुछ कारशापणों, कुछ स्वर्ण मुद्राओं के लिए आयुधागार से हथियार चुराने का प्रयत्न किया? इसमें दो ही संभावनाएं हैं देव। मैं सारी संभावनाएं जानता हूं अनुजदेव, पर कौन है वह तक्षशिला का शत्रु जो तक्षशिला में छिपकर तक्षशिला की सत्ता को चुनौती दे रहा है? क्या आयुधागार के समस्त रक्षक तक्षशिला के विश्वस्त हैं? इन परिस्थितियों में कुछ भी नहीं कहा जा सकता तक्षशिलाधीश। तो इन परिस्थितियों में मैं कैसे विश्वास करूं कि आप मेरे विश्वस्त हैं? जाइए अनुजदेव, एवं शीघ्र अति शीघ्र अपराधियों का पता लगाइए। जो आज्ञा मंत्रीवर। जाइए अनुजदेव। कहीं गुरुकुल का तो इसमें कोई हाथ नहीं? नहीं तक्षशिलाधीश। पर इन परिस्थितियों में तुम गुरुकुल के बारे में इतने आश्वस्त व निश्चिंत कैसे हो? सत्य तो यही है तक्षशिलाधीश। पर गुरुकुल पर ध्यान रखिएगा, और विशेषकर आचार्य विष्णुगुप्त पर। जो आज्ञा तक्षशिलाधीश। Thank you.
जो संदेश सत्य की शपथ लेकर की जाती है अस्थाई नहीं होती, और जो संधि राजपुत्रों को बंधक बनाकर अथवा प्रतिभू रखकर की जाती है अस्थाई होती है। संहिता स्मः इति सत्य संधाः इति सत्य संधाः पूर्वे राजानः सत्येन संदधिरे पूर्वे राजानः सत्येन संदधिरे प्राचीन सत्यवादी राजा हम संधि करते हैं इतना कह संधि किया करते थे। अभियुच्यमानः समाधि मोक्षं कारयेत्। संधि हो जाने के पश्चात यदि अपनी शक्ति बढ़ जाए तो दूसरे राजा के या बंधक रखे पुत्र को मुक्त करा देना चाहिए। आज पाठ यही समाप्त करते हैं। ओम। ये ब्राह्मण है, इसे नरमाई से व्यवहार करना। इस ब्राह्मण के कारण तक्षशिला की सुरक्षा धोखे में पड़ सकती है। जितना दिखता है उतना सरल नहीं है। ब्राह्मण, यदि तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर सही सही नहीं दिया तो मैं तुम में और एक साधारण अपराधी में कोई अंतर नहीं रखूंगा। मैं तुम्हारे साथ वही व्यवहार करूंगा जो एक कंटक शोधन अधिकारी सत्य उगलवाने के लिए एक साधारण अपराधी के साथ करता है। कल रात तुम कहां थे? कल रात आप कहां थे विष्णुगुप्त? तक्षशिला में। तक्षशिला में कहां? वीथियों में। कौन सी वीथि? कौन सा मार्ग? सारी वीथियों व सारे मार्ग तो आप जानते ही हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं जहां व्यक्ति के भटकने की संभावना अधिक हो। मैंने आपको यहां पहेलियां बुझाने नहीं बुलाया है। सत्य भी तो आप जानते हैं। आज आप कहां घूम रहे थे? उन्हीं वीथियों में, उन्हीं मार्गों पर। क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यों घूम रहे थे आप? क्या मैं तक्षशिला में भ्रमण करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं हूं? क्यों भ्रमण करना चाहते हैं आप? क्यों? यदि आप इसी प्रकार मौन रहे तो मुझे दूसरे मार्गों का अवलंबन करना पड़ेगा। मुझे बताते क्यों नहीं विष्णुगुप्त? मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो, मुझे बताओ। मुझे तुम हाथ उठाने पर विवश कर रहे हो।
वरुण मेरी सहायता करोगे? वो दीप दंड ले आओगे? वरुण मैं इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं करूंगा। वरुण तुम मेरे आदेशों का उल्लंघन कर रहे हो, तुम अत्याचार कर रहे हो अनुज। अब मुझे विश्वास हो गया है कि हम कायल ही नहीं नपुंसक भी है। देखो विष्णुगुप्त, मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है। तुम चाहो तो मुझे मित्र कह सकते हो, पर सिर्फ मुझे इतना बता दो कि तुम अंधेरी रात में तक्षशिला की वीथियों में किसे ढूंढ रहे थे। हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, हो सकता है मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। बताते क्यों नहीं किसे ढूंढ रहे थे? क्या चाहिए तुम्हें जो अंधेरी रात में तुम तक्षशिला की वीथियों में ढूंढ रहे थे? हे भगवान, ये आदमी समझता क्यों नहीं? देखो आचार्य, यदि तुम मुझे सत्य बता दोगे तो संभवतः मैं तुम्हारी अच्छे कार्य में मदद कर सकूंगा। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम बोलते क्यों नहीं हो? मैं जाऊं? निकलो यहां से। मुझसे सावधान रहना विष्णुगुप्त। और तुम मुझसे। सावधान रहने के लिए कहा है। उसे मुझ पर संशय हो गया है अनुज। विष्णुगुप्त ने सिंगरण को मेरे कक्ष से निकलते हुए देख लिया है। पर अब हमें क्या करना चाहिए आचार्य? उसे हमें अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करनी होगी। उसके लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन वो कुछ कहते ही नहीं। अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं, वो हमसे सहायता मांगेगा नहीं, वो हमें सहायता देने के लिए विवश करेगा। पर आचार्य चाहते क्या है? यही हमें ज्ञात करना है अनुज। पर तुम आम भी से सावधान रहना। अब मैं चलता हूं।
अपने कक्ष में जाओ चंद्रगुप्त। कक्ष से ही क्यों? यदि आप मुझे आज्ञा देंगे तो मैं तक्षशिला से ही चला जाऊंगा। तुम जहां जाना चाहते हो जा सकते हो। तक्षशिला तक तो आप मुझे ले आए थे, पाटलिपुत्र तक मेरा अनिश्चित भविष्य मुझे ले जाएगा, पर मेरा शैशव, मेरे सुख, मेरे दुख, मेरे शोक, मेरे हर्ष, मेरा भविष्य मैंने एक अपरिचित व्यक्ति को सौंप दिए थे। आज उसी व्यक्ति से अपना शैशव, अपना भविष्य वापस मांगने आया हूं। लौटा दीजिए वो सारी स्मृतियां जो आपने अपने हृदय में संजो के रखी हैं। मैं चला जाऊंगा। तुम भावुक हो रहे चंद्रगुप्त। भावुक तो मैं था जो एक अपरिचित अनजान व्यक्ति की उंगली थामकर तक्षशिला तक चला आया। जब माँ के गर्भ से बाहर आया तो सामने भावों का संसार था, जिसमें स्नेह था, ममत्व था, अपनत्व का स्पर्श था, और यदि उपेक्षा थी तो वो भी अपनों की थी। पर शैशव की उस सांझ को एक अपरिचित की पुकार पर मैं दौड़ा चला आया। आपने ही तो कहा था उपेति चंद्रगुप्त, और मैं समस्त बंधनों को तोड़कर ज्ञान के गर्भ में आ समाया था। नहीं जानता था कि ज्ञान के गर्भ से प्रवास के पश्चात यूं फेंक दिया जाऊंगा किसी अनाथ जारज शिशु की भांति। क्या हो गया है तुम्हें आज चंद्रगुप्त? मेरा भ्रम टूट गया है आचार्य। कारशा पणों से क्रय किया गया चंद्रगुप्त मात्र दास हो सकता है, और मैं दास भी तो नहीं, मैं तो मात्र आपकी कृपा पर जी रहा हूं। मुझे मेरा मूल्य बता दीजिए आचार्य, ताकि उस मूल्य को चुकाकर मैं उस ऋण से मुक्त हो सकूं जो मेरे मातुल को दे आपने मेरे माथे पे चढ़ा रखा है। तुम मेरे समस्त ऋणों से मुक्त हो, अब तुम जा सकते हो। ऋणों से आप मुझे मुक्ति दे सकते हैं, पर क्या अपने हृदय से मुक्ति दे पाएंगे आप? आपको अपने पूर्वजों की स्मृति की सौगंध, बोलिए क्या चंद्रगुप्त को हृदय से निष्कासित कर पाएंगे आप? आप बोलते क्यों नहीं आचार्य? क्यों मुझसे छल करते हो चंद्रगुप्त? किस बात का मुझे दंड दे रहे हैं आचार्य? क्या चंद्रगुप्त इतना भी योग्य नहीं कि आपकी पीड़ा में सहभागी हो सके? मेरी पीड़ा मेरी निजी संपत्ति है चंद्रगुप्त, उसमें सहभागी होने का प्रयास मत करना। पर जिस पीड़ा का संबंध संपूर्ण राष्ट्र से हो वो आपकी निजी व्यथा कैसे हो सकती है आचार्य? आप उत्तर क्यों नहीं देते आचार्य? क्या मैं इतना भी योग्य नहीं कि आपका अनुसरण कर सकूं? मेरे पथ पर पग पग पर कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं चंद्रगुप्त। पर मैंने तो यही शिक्षा पाई आचार्य कि जो पथ कंटकों और कठिनाइयों से पूर्ण न हो वो पथ बहुधा अथा पतन की ओर ले जाता है। आप मुझे किस पथ की ओर ले जाना चाहते हैं आचार्य? चंद्रगुप्त, आपने ही तो कहा था कि चंद्रगुप्त राष्ट्र के गौरव को नष्ट न होने देना, और आज आप ही मुझे पथविहीन कर रहे हैं। यदि आपको मेरे सामर्थ्य पर विश्वास न हो तो एक बार कहकर तो देखिए, मैं मृत्यु के द्वार भी खटखटाकर आऊंगा। चंद्रगुप्त, मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए, मृत्यु नहीं। मेरे जीवन पर तो आपका ही अधिकार है, और आपकी आज्ञा के बिना मर भी नहीं पाऊंगा। चंद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त से इतना दुराव क्यों? कुछ तो बोलिए आचार्य, क्या हो गया है आपको? उत्तिष्ट भारत कहकर काल को भी आवाहन की प्रेरणा देने वाला आज इतना मौन क्यों है? समय सभी रहस्यों को खोल देगा, अतः समय की प्रतीक्षा करो। जाओ अपने कक्ष में जाओ। आपने मुझे बुलाया आचार्य? द्वार बंद कर दो।
कल रात आप कहां थे आचार्य विष्णुगुप्त? तक्षशिला में। तक्षशिला में कहां? वीथियों में। अब यहां आंख मिचोली बंद करोगे? बताते क्यों नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए? विष्णुगुप्त, तुम्हारे इस मौन का अर्थ नहीं समझ पा रहा हूं मैं। क्या रहस्य तुम्हारे इस मौन में? कुछ भी तो नहीं। तुम नहीं बताओगे तो मैं नहीं जान पाऊंगा, ऐसा नहीं है विष्णुगुप्त? मैंने भी शास्त्रों का अध्ययन किया है। मैं देख रहा हूं कि कोई काल सर्पिणी अपने बंधन से मुक्त हो, निश्चय के मंत्र से वशीभूत हो, तुम्हारे स्कंधों पर लहरा रही है। डसे गए हो तुम। बोलो, किसके हाथों अपमान का विष पी आए हो? ऐसा कुछ नहीं है आचार्य। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तुम कुछ कहते क्यों नहीं? क्या कहूं आचार्य? इस राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने की कल्पना करने वाला इतना भाव विहीन क्यों है? यवनों का मार्ग रोकने के अभियान पर जो चारों दिशाओं में दौड़ पड़ा था, आज वो इतना शांत क्यों है? इस राष्ट्र के गौरव की रक्षा का आह्वान करने वाला आज इतना मौन क्यों है? क्या तुम्हारे भीतर धधक रही स्वतंत्रता की आग यवनों की विजय से बुझ गई है, या तुम्हें भी जीवन का मोह रोक रहा है? यदि मेरे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहते तो केवल इतना बता दो, क्या तुमने भी राष्ट्र की पराजय स्वीकार कर ली है? पराजित जनपद में है, भारत नहीं। पर यवन अभी भी भारत की छाती पर बैठे हैं, उनसे कैसे लड़ोगे? अभी मार्ग निष्कंटक नहीं हुआ है और तुमने अपना अभियान रोक दिया। क्या चाहिए तुम्हें विष्णुगुप्त? हजारों जीवन प्रस्तुत है तुम्हारे साथ चलने के लिए, हजारों युवक है राष्ट्रपथ पे प्राण देने के लिए, फिर तुम निष्क्रिय क्यों हो? क्या चाहिए तुम्हें? कुछ तो कहो, कहो विष्णुगुप्त। शिक्षक साधारण नहीं होता धनानंद, प्रलय व निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। तो क्यों आया था तू यहाँ? सोचा था पाटलिपुत्र में ज्ञान के प्रकाश को देखूंगा, पर देख रहा हूँ कि ज्ञान के सूर्य को राहु ग्रस रहा है। ओ, तो गुरुकुल भी अब राजनीति से अलिप्त नहीं रहा आज? प्रश्न जब संपूर्ण राष्ट्र का हो तो गुरुकुल उससे कैसे अलिप्त रह सकता है कुमार? तो क्या मैं ये समझू कि मेरे निर्णय के विरुद्ध गुरुकुल विद्रोह का सूत्रपात करेगा? अपनी ही भूमि पर अपने ही राष्ट्रीय ध्वजों को देखकर आश्चर्य होता है कुमार, पर जब अपनी ही भूमि पर यवनों का ध्वज देखोगे तब क्या होगा अंबे कुमार? हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत भारत एक है, उसकी पग पग भूमि हमारी अपनी भूमि है। की अजय संस्कृति अविजित रहेगी? क्या क्रांताओं के समक्ष यह राष्ट्र अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं व अपने जीवन मूल्यों की रक्षा कर पाएगा? या क्रांताओं के प्रहार से यह राष्ट्र खंड खंड और चूर चूर हो जाएगा? कौन उन्हें समझाएगा कि जनपदों में बटा भारत एक अखंड राष्ट्र है? तुमने भीतर आने का दुस्साहस कैसे किया ब्राह्मण? राष्ट्र पर संकट आया है, इसलिए तक्षशिला का एक शिक्षक आपके पास आया है। बस इसलिए तुमने मेरे प्रतिहारियों व सहचरों को कष्ट दिया? महाराज, भारत की सीमाएं असुरक्षित हैं, मगध ही उनकी सुरक्षा कर सकता है। इसलिए आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि मगध भारत की सीमा रक्षा का उत्तरदायित्व ले। सीमा की रक्षा सीमा रक्षक किया करते हैं, सम्राट नहीं। सीमाएं सुरक्षित रही तो सम्राट सुरक्षित रहेंगे महाराज। बेशक। देख रहा हूं कि धरा के बेटों से उनकी धरती छीनी जा रही है और मगध चुप है। कौन करेगा उनके घरों की रक्षा? कौन करेगा उनके हलों की रक्षा? प्रतिहारियों, इस मूर्ख की शिखा पकड़कर इसे बाहर निकाल दो। एक दिवस यही शिखा तेरे कुल की काल तर्पणी होगी धरनंद। तुम जैसे दुष्टों ने भारत को पराक्रांत कर रखा है, मैं तुम जैसे दुष्टों को पराक्रांत करूंगा। Na 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 na
से राष्ट्र विरोधी शासकों का उद्धार नहीं करूंगा तब तक मैं चणक का पुत्र चाणक्य अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। यदि तुम हमें अपराध भाव से ग्रस्त करवाकर ही कुछ बताना चाहते हो तो मैं स्वीकार करता हूं कि अयोध्यागार उसकी कोई आवश्यकता नहीं है आचार्य। तो फिर तुम्हारा आचरण इतना रहस्यपूर्ण क्यों है? योजना आरंभ करने से पूर्व मैं अपने निकट के व्यक्तियों को भली भांति टटोल लेना चाहता था आचार्य। तो किस निर्णय पे पहुंचे तुम? स्थितियां कठिन अवश्य है पर वातावरण अनुकूल है। तो प्रतीक्षा किस बात की है? मैं भृत योद्धाओं को अपने पक्ष में देखना चाहता हूँ। किसकी हत्या करवाना चाहती हो तुम? समय आने दीजिए सब बता दूंगा। इसमें मुझे क्या करना होगा? यदि संभव हो तो भृत योद्धाओं से मिलने की व्यवस्था। ठीक है अनुज से कह मैं तुम्हारी भेंट भृत योद्धाओं के प्रमुख से करवा दूंगा। और कुछ? समय आने पर कह दूंगा। सावधान रहना गुरुकुल को तुम्हारी आवश्यकता है। जाओ छात्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। एक बात और बताते जाओ विष्णुगुप्त कब तक यह शिखा बंधन में नहीं आएगी? जब तक मैं अपने राष्ट्र को पुनः गौरवशाली नहीं बनाता तब तक यह सदैव मुझे मेरे प्रण का स्मरण दिलाती रहेगी। सूचना तो मिल चुकी होगी सेहरन। आपने कहा होता तो मैं स्वयं चला था। तुम्हारा जीवन मेरे लिए बहुमूल्य है सेहरन। उसे मैं किसी भी मूल्य पर खोने को तैयार न था इसलिए मैं स्वयं चला आया। ये मेरे शिष्य हैं। यह है चंद्रगुप्त और यह अक्षय। प्रणाम सेनापति। अब मैं सेनापति नहीं हूं। अब तो मैं बस जीविका पाने के लिए लड़ने वाला एक योद्धा मात्र हूं। जीविका के लिए लड़ने वाला हर कोई योद्धा नहीं होता सेरन। तुम तो जन्म से योद्धा हो। मार्ग से भटक जाने का अर्थ ध्येय से भटक जाना तो नहीं होता सेरन। हां ध्येय बदल जाए तो मार्ग भी स्वयं बदल जाते हैं। मैं पथ वधे दोनों से भटक गया हूं आचार्य। यदि यही अंतिम सत्य होता तो आज मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा नहीं होता सेहरन। नियति भी कितनी विचित्र है कि आज मैं अपने ध्येय की पूर्ति के लिए तुम्हारे मार्ग पर आ खड़ा हुआ हूं। अज्ञानी हूं
फिर भी निवेदन करूंगा आचार्य कि सेहरण का मार्ग किसी भी ध्येय तक नहीं पहुंच सकता। तुम्हें इतना अविश्वास क्यों है सेहरण? इसलिए कि यदि साधन गलत हो तो साध्य भी दूषित होता है, मार्ग गलत हो तो ध्येय भी अपवित्र होता है आचार्य। यह भी अंतिम सत्य नहीं है सेहरण। उच्च ध्येय के साधन परिस्थितिवश दूषित हो सकते हैं, अन्यथा जीविका के लिए युद्ध करने वाला सेहरण किस ध्येय के लिए तक्षशिला के आयुधागार पर आक्रमण कर उसे अग्नि को समर्पित करता? इसलिए कि वो हथियार यवनों को पहुंचाए जाने वाले थे और यवन उनका उपयोग तुम्हारे ही बांधवों पर करते, यही ना? कईयों के जीवन की रक्षा के लिए तुमने कुछ प्राण हर लिए सेहरण। तुम्हें अपनाए हुए मार्ग पर खेद हो सकता है, पर ध्येय पर आप मुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं आचार्य? मुझे तुम्हारा सामर्थ्य चाहिए, तुम्हारी शक्ति चाहिए, तुम्हारा रण कौशल, तुम्हारा नेतृत्व चाहिए। हमें भ्रत योद्धाओं की सेना खड़ी करनी है सेनापति। क्या आप राज्य में यवनों के विरुद्ध विप्लव करना चाहते हैं? विप्लव यवनों ने किया है हमारी मातृभूमि पर, आक्रांता यवन है हमारी धरती पर। यह राष्ट्र हमारा है, यह धरती हमारी है। इस राष्ट्र का यवनों की दासता से मुक्ति का मार्ग विप्लव नहीं कहा जा सकता सेहरण। स्वाधीनता संग्राम को यवन विद्रोह की संज्ञा दे सकते हैं, कोई भारतीय नहीं। आप आज्ञा दीजिए आचार्य, सेहरण इस कार्य के लिए तत्पर है। तुम भ्रत योद्धाओं को एकत्र करो, मैं धन एकत्र करूंगा। आचार्य धन की चिंता न करें, सेहरण यदि जीविका के लिए हत्या जैसा पाप कर सकता है तो राष्ट्र के लिए धन की भिक्षा भी मांग सकता है, और यदि उसे यह भिक्षा न मिली तो सेहरण सामर्थ्यवानों के स्वर्ण भंडारों से एक मुट्ठी स्वर्ण छीनने का सामर्थ्य रखता है। आचार्य आप निश्चिंत हो, मार्गदर्शन कीजिए। समय आने पर समस्त योजनाओं को तुम्हारे समक्ष रख दूंगा सेनापति। एक और प्रार्थना है सेनापति। मैं प्रार्थना के योग्य नहीं हूं आचार्य। याचक सिर्फ प्रार्थना ही कर सकता है सेनापति। ये मेरे दोनों शिष्य सतत तुम्हारे संपर्क में रहेंगे, इन्हें मार्गदर्शन देते रहना। अब मैं चलता हूं, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व तो तुम्हारे कंधों पर सौंपे जा रहा हूं सेनापति। अब जो सेहरण पथ भ्रष्ट हुआ तो मातृद्रोह का पाप उसके माथे पर होगा, सेहरण मां से घात नहीं करेगा आचार्य। प्रणाम। अंशो भगो वरुणो मित्रो आर्यमादितिः पान्तु मरुतः अपतस्य द्वेषो गमेदविन्हु तो यावयच्छत्रुभन्ति तम्। अंशो भगो वरुणो मित्रो आर्यमादितिः पान्तु मरुतः अपतस्य द्वेषो गमेदविन्हु तो यावयच्छत्रुभन्ति तम्। अंशो भगो वरुणो मित्रो आर्यमादितिः पान्तु मरुतः अपतस्य द्वेषो गमेदविन्हु तो यावयच्छत्रुभन्ति तम्। अंशो भगो वरुणो मित्रो आर्यमादितिः पान्तु मरुतः अपतस्य द्वेषो गमेदविन्हु तो यावयच्छत्रुभन्ति तम्। अंशो भगो वरुणो मित्रो आर्यमादितिः पान्तु मरुतः अपतस्य द्वेषो गमेदविन्हु तो यावयच्छत्रुभन्ति तम्।